राजधानी लखनऊ में रिश्तों को कलंकित करने वाली एक घटना सामने आई है। एक कलयुगी भाई ने अपनी बहन की निर्मम हत्या कर दी। घटना गोसाईगंज इलाके की है, जहां 17 जनवरी को महिला की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई। वही घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच की और मृतका के भाई को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया। वही मामले में DSP दक्षिणी का कहना है कि कड़ाई से पूछताछ में आरोपी ने हत्या का जुर्म कबूल करते हुए बताया कि कुछ दिन पहले दोनों के बीच लड़ाई हुई थी, जिसके बाद उसने बहन की हत्या कर दी। ने एक साजिश रची और रात्रि के समय अपनी बहन को उठाया और उसको प्रतिक्रिया के बहाने उसकी मदद करने के बहाने उसको ले जाके उसका गला काट दिया और उसके बाद आला कतल को छुपा के उसके बाद इसने पूरा स्वांग रचा और पुलिस को 100 नंबर पे सूचना दी। सूचना भी इसने झूठी दी और साथ ही साथ अन्य लोगों को और अपने छोटे भाई को फंसाने की भी सूचना इसने दी थी। बहरहाल उसकी सूचना पर ही मुकदमा दर्ज किया गया और उसके बाद जब अनावरण किया गया तो पाया गया कि हत्यारा यही निकला है, भाई ही निकला इसका हत्यारा। और उसके बाद आला कतल को जो है वहाँ पास में जो झाड़ियों के बीच में एक नाले जैसा स्ट्रक्चर है वहीं से बरामद कर लिया गया है।